और आपके साथ मंसूरी समाज के लोग आए थे, किस चीज़ को लेकर मीटिंग की थी और क्या इस पर बातचीत हुई? आपकी मंसूरी वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग कार्य समिति की मीटिंग थी जो हर माह होती है। इसी कड़ी में आज की जो मीटिंग बुलाई गई थी, कार्य समिति की मीटिंग थी जिसमें नगर कमेटी की घोषणा, उनका प्रमाण पत्र वितरित करना, उनका इस्तकबाल करना कमेटी के लोगों का, बसरेल ब्लॉक की कमेटी थी उसका इस्तकबाल करना, कुल मिलाकर यह है कि भारतीय मंसूरी वेलफेयर एसोसिएशन संस्था पूरे जनपद में 8 ब्लॉक 6 नगर पालिकाओं में अपने 21 लोगों की कमेटी गठित करके जमीन स्तर पर गांव में एक गांव का मुखिया बनाकर, जिसकी संख्या लगभग हमारे जो कमेटी की सदस्यों की संख्या और पदाधिकारी कुल मिलाकर 480 होगी, जो गांव तक धरातल तक हम पहुंचने का काम करेंगे और अपने कमेटी के माध्यम से अपनी बिरादरी के लोगों को जन से धन से तन से मिलने का काम करेंगे, उनकी मदद करने का, जनसेवा का काम करने का काम करेंगे। यही हमारे कमेटी का उद्देश्य है, जो निरंतर लगातार ब्लॉक स्तर पर नगर स्तर पर बढ़ता रहेगा और उनके लिए जनहितकारी कार्य जो शासन से प्रशासन से या अपनी कमेटी के द्वारा जो भी हो सकेंगे दिलवाने और देने का काम करेंगे। यही हम लोगों का मकसद है। ना मेरा संगठन राजनीतिक पार्टी का कोई संगठन है, हमारा जन सेवा का संगठन है। आगे एजुकेशन पे भी काम करने का काम करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है, यही कमेटी का लोगों का उद्देश्य है। और यहाँ पे यही कहूँगा, जनपद के कोने कोने से कार्य समिति में जो लोग तशरीफ लाए हैं आए हैं, उनका बहुत बहुत इस्तकबाल स्वागत और उनका वेलकम करते हैं।